हेलो एवरीवन, ये मेरी शुरुआत होती है 6 बजे से। होती तो वैसे रात में कितनी बार है, बट क्या बताएं, तो जो मेरे रूटीन शेयर करने वाली वो 6 o'clock के बाद वाला कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं शॉप से और उसके बाद हम लोग, मैंने उसको फीड कराया, देन थोड़ा सा वॉक किया बाहर निकल के, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और बेबी को भी लेके छत पर गए। उसके बाद मैं चली गई फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि मैंने कैफीन का ये वाला फेस वॉश और फेस वो सनस्क्रीन मंगाया है, पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ, देखते हैं कैसा है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने इसका स्क्रब यूज़ किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, टैनिंग वगैरह चली जाती है। बट मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसका भी ट्राई करते हैं, फेस वॉश वगैरह। तो फेस वॉश से स्किन तो बहुत क्लीन हो गया। और ये मैं जो लगा रही हूँ ये है इसका सनस्क्रीन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। बट मुझे तो आप देख सकते हो स्किन में जो ग्लोइंग आ गई थी एकदम से, और मुझे बहुत ही पसंद आया। और उसके बाद मेरा रूटीन शुरू हो जाता है, मेरा बेबी सो रहा होता है जब तक मैं अपना ब्रश वगैरह करके मुँह हाथ धो के ये सब कर लेती हूँ। देन उसके बाद मैं सेकेंड वाले रूम में जाके चटाई डाल देती हूँ और अपने बच्चे को वहाँ लेके चली जाती हूँ, क्योंकि दिन भर मेरे रूम में बहुत अंधेरा जैसा रहता है। और जो और भी जो उसके जो मुझे करने होते हैं वॉइलिंग वगैरह, वो मैं सेकेंड वाले रूम में ले जाकर उसको करती हूँ। तो ये मैंने उसका बिस्तर कर दिया। ये 2 बुक है, जो एक इस्लामिक बुक है, देन एक वो है गुड हैबिट और बैड हैबिट वाले बुक, जो मैं उसको सुनाती हूँ पढ़कर हर चीज़। और मैं बताऊँ, आने के बाद फिर मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ। क्लोथ डाइपर मैंने लिया है बॉटम वाला, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, और मुझे लगता है कि हाँ रेसेस नहीं होते, तो मैं दिन भर थोड़ा सा, दिन भर के मैं 4-5 घंटे के लिए वही यूज़ करती हूँ। और ये सब मैं चीज़ें लेके आती हूँ एक बैग में, क्योंकि सेकेंड रूम में आना होता है, तो ये इसका पूरा सामान मैं लेके चलती हूँ। मैंने चीकू का पाउडर मंगाया, चीकू के ही फेस वॉश, चीकू का ही इसका बॉडी वॉश, क्योंकि इसको वही सूट कर रहा है, हिमालय का बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे भी हिमालय सूट नहीं करता, बहुत अजीब बात है, बट ये रियलिटी है, सच है। और इसके बाद सबसे पहले मैंने उसको दिया विटामिन डी, क्योंकि उसे फीड कर चुका था, और तो मैंने विटामिन डी उसे पिला दिया। पिलाने के बाद और वो इतनी खुशी खुशी पी भी लेता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद मैं अपना बुक स्टार्ट करती हूँ उसको समझने के लिए। मुसलमान का 5 हर्ब्स, ठीक है, फरमाया मुसलमानों का 5 हर्ब्स, सलाम का जवाब देना, बीमार की आदत करना, अदायत करना, जनाजे के शरीक होना, दावत कबूल करना, छिपाने पहले मिलना बोलना, अल्लाह ने हराम की है। दोनों बुक रीड करने के बाद, बेबी को सुनाने के बाद, मैं चली गई थी चाय और बिस्किट लेने, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। और इसको लेते लेते मैं ना चाय बना के और बिस्किट लेके मैं आ गई, और मैंने थोड़ा सा सोचा खा लेते हैं। और उसके बाद फिर इसका, आज मेरी बेबी का 3 मंथ कम्प्लीट हो गया है, तो आपने देखा था जो मैं ड्रेस निकाला था, मैं वही ड्रेस बनाने लगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसकी ऑयलिंग कर दी। मैं रोज़ क्या करती हूँ, मैं इसको ऑयलिंग कर देती हूँ। और अब बच्चों को ना ऑयलिंग करने के बाद एटलीस्ट 1 आवर तो छोड़िए, क्योंकि 1 घंटे के बाद ही आप उसको नहलाइए। तुरंत ऑयलिंग करके कभी भी बच्चे को बात नहीं कराना चाहिए। और ये थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर मैं कराती हूँ अपने बच्चे को, इससे क्या होता है बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और ये आप दिन भर में 2-3 बार भी करा सकते हो, बहुत अच्छा है। ये टब लिया है मैंने, क्योंकि ये बहुत इजी होता है इसमें नहलाना। इसमें एक गद्दा दिया हुआ है छोटा सा, वो आप गद्दे को डाल दो, उस पर बच्चे को लेटा दो, और देन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बच्चा आराम से लेटा होता है और आप अच्छे से नहला सकते हो। क्योंकि अगर मैं अकेले हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, तो मैं इसलिए ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। देन वो मेरा बेबी रिलैक्स होकर सो गया, और मैं चली गई इसका फीडर उबालने, क्योंकि दूध के बॉटल्स होते हैं उसके निप्पल्स उबालने पड़ते हैं। देन उसके बाद इतने सारे कपड़े जो थे वो मैंने धुल लिए, धुलने के बाद मैंने छोटा अपनी स्कैल्प वाली मसाज कर लूँ थोड़ा हेयर का, क्योंकि मैंने इसका कैफीन का मैंने एक और ऑयलिंग भी मंगाई थी, मैं देखना चाह रही थी कि कैसा है। उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद 1 आवर रखती हूँ मैं हेयर पे। देन खाना बनाने चली गई, मैंने अपने लिए मूंग का दाल बनाया, सब्जी रोटी बनाई और सैलेड काटा, और मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं किचन में सोई जा रही थी। देन उसके बाद मैं अंदर आई तो मेरा पार्सल भी आ गया था, जो कि मैंने मंगाया था केटल रखने के लिए, उसमें पानी बॉयल करती हूँ मैं। और मैं आपको बताऊँ तो वो नीचे रखा था, बहुत फैला हुआ लग रहा था टेबल, तो मैंने पूरा क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा सा स्टैंड मिल गया मीशो से मुझे। अगर आपको चाहिए तो आप लोग बताना कमेंट में, मैं बता दूंगी कितने का है, और लिंक भी शेयर कर दूंगी। और आप देख सकते हो मैंने इस पे केटल भी रख दिया, और भी इसके दूध के डब्बे थे, देन और
पानी जो गर्म वाला बॉटल ये मिल्टन का, और भी ठंडा पानी भी मैं रखती हूँ क्योंकि ये रोने लगता है एकदम से, तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा क्लीन किया रूम को अपना, थोड़ी डस्टिंग कर ली मैंने। देन डस्टिंग करने के बाद में फिर मैंने ये सब अपने चेंज करे, अपने कवर वगैरह सोफ़े के चेंज करे। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हम लोग आज जा रहे हैं अपने बेबी को लेके कहीं किसी जगह पे, तो इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या सेलिब्रेट करने वाले और किसके साथ में जा रहे हैं। तो फिर उसके लिए तो मैं चली नहाने के लिए रेडी होने, जब तक के लिए बने रहे।